आज यहाँ बैठे हैं, तुरंत जाना पड़ेगा। किसी रोड का एक्सीडेंट हो गया, कोई मोर का हो गया, तित्र का हो गया, समस्या हो। समीर दो तीन दिन की भैंस भी आई थी, नई भैंस ले आया था 1,00,000 रुपया की। इब से हमने कोई जानवर आयो और वो पाडी ने खाए को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। 2.5 महीने में एक ही जंगली जानवर प्रजाति के जानवर ने तीसरी बार पशु पर किया हमला, किसान ने प्रशासन से बचाव के लिए लगाई गुहार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में और मैं हूं संजय कौशिक। प्रिय दर्शकों, करीना उपमंडल के गांव भड़प। 2.5 महीने में ही अज्ञात जंगली जानवर ने तीसरी बार हमला करके भैंस की बच्ची को मार दिया है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ ऑफिस से कर्मचारी रवि, पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन जांगड़ा, करीना सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मूलचंद मौके पर पहुंचे। पशुपालक देशराज ने बताया कि 1,00,000 रुपए ताजा ब्याई हुई भैंस लेकर आए थे, तकरीबन 2 बजे तक निगरानी कर रहे थे, लेकिन सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच कोई जंगली जानवर आया और भैंस की करड़ी को मारकर चला गया। इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ ऑफिस से कर्मचारी रवि ने बताया कि पैरों के निशान से लग रहा है कि डॉग फैमिली का जानवर है, लेकिन मौके पर किसी भी ग्रामीण ने उसको नहीं देखा है। इसी गांव में पहले भी इसी तरह की 2 घटनाएं हो चुकी है। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर तक का निरीक्षण किया गया है, अभी तक जानवर की पुष्टि नहीं है। पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन कांगड़ा ने बताया कि भैंस के पार्ट रूट का पोस्टमार्टम कर दिया गया। यह जानवर पशुओं के छोटे बच्चों पर हमला करता है, क्योंकि पीछे भी गांव में 2 घटनाएं घटी हैं, उनसे भी पशुओं के बच्चों पर हमला किया गया है। इसी को सतर्क रहने की जरूरत है। पशुपालक देशराज ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है और 3 दिन पहले ही ताजा ब्याई हुई भैंस लेकर आए थे। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी आकर चले गए, लेकिन किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे इस नुकसान की भरपाई करवाई जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पहले भी गांव में 2 घटनाएं घट चुकी है, यह 3री घटना है। अगर प्रशासन ऐसे ही मूक बना रहेगा तो आने वाले समय में घटनाएं और घट सकती है। आपको बताते हैं कि भड़प गांव में ही 14 अप्रैल को OPY स्कूल के पीछे जंगली जानवर द्वारा एक गाय के बछड़े को मार दिया गया था। उस समय प्रशासन के अधिकारियों ने जायजा लिया था। वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी ने आसपास की जमीन पर जानवर के निशान देखे थे, लेकिन जब वह निशान नहर के पास पहुंचे तो उसके बाद वो निशान आगे कहीं नहीं दिखे। उसके बाद प्रशासन ने वहाँ पूरे दिन तक डेरा डाले रखा था, लेकिन प्रशासन के हाथ खाली ही रहे थे। तमाम अन्य प्रकार की खबरों में लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंद। ये इस प्रकार की घटना पहले भी रोहतास के कुएं पे बनी से दूसरी तरफ हो चुकी है। 2 बछड़े पहले भी इस वारदात का शिकार हो चुके हैं। कोई अज्ञात जानवर है जो हमने वाइल्ड लाइफ वालों से संपर्क किया है, उनका दोनों का मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूँ, तो पंजों के निशान से ये पता चला है कि वो डॉग फैमिली का है, लेकिन उसका क्लियर कट पता नहीं चल पाता कि वो जानवर का है, क्योंकि अभी तक अपने क्षेत्र में किसी ने जानवर को नोटिस किया नहीं है कि वो जानवर कौन सा है, क्या है, क्या नहीं है। और आज की जो ताज़ा घटना ही अपने देशराज मास्टर जी हैं बहादुर पंजी के कुएं के पास बड़फ गांव में, उनके पाडे पड़िया के साथ हुई है। लगभग 2 दिन की पड़िया थी ये, तो अब पुलिस आई है, कार्रवाई हुई है और अपने वाइल्ड लाइफ के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखते हैं क्या रहता है, बाकी उचित कार्रवाई के लिए वाइल्ड लाइफ वालों को बोल दिया गया है। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने भी इनको बोला है कि भाई आगे से ध्यान रखना, उचित कार्रवाई करें, थोड़ा रात को भी रैकी की जाए, थोड़ा दौरे किए जाए, ताकि उस जानवर की जल्दी पुष्टि हो चुके, आने वाले टाइम में जो इस तरह की घटनाओं से गांव वालों को छुटकारा मिल सके। मेरा नाम सनेलता है। समस्या यो है, मेरे 2-3 दिन की भैंस भी आई थी, नई भैंस ले आया था 1,00,000 रुपया की। इब से हमने कोई जानवर आयो और वो पाडी ने खाए को। इब वह भैंस दूध ना दे, 1,00,000 की से बताओ नुकसान कौन का, सारा लिया गया उल्टा, कौन क्या करेगा। प्रशासन में कौन कौन आया था? प्रशासन में वो पुलिस भी आई थी, लेडीज पुलिस भी थी, पवन डॉक्टर थो और भी डॉक्टर था। क्या कह गया? अब क्या कह गया, सिक्किम कह गया ना, देख के नर्क करके थोड़ी मोटी कार्रवाई चला गया। अब क्या करेंगे, किमि ना करी, मेरे तो भैंस को ना सोए गो, मान गरीब आदमी मानो कौन से बताओ। अब सरकार से क्या मांग कर? सरकार से यही मांग करा सा किमि करो कार्रवाई, मान ले भाई किमि तुम्हारो मुआवजा दो, हमारी भैंस खात किमि करो, मेरे तो भैंस बर्बाद है, दूध ना दे। हाँ, अरे बाग 5 पशु और बंद रहे, इसी तड़का आएगा तो बताओ कौन, रात ना आदमी आने कहते बार स्वाद दे। बम पहले भी गांव में कई दिक्कत है ली, ऐसी बात कौन, पहले भी 3-4 दिक्कत हो ली गांव में। हाँ, मौका पा लिया, देख लिया, ये करेगा कि मैं भी ना करी। हाँ, 2 बजे तक तो हम यहाँ देख रहे थे इसको, तब तक तो ये सुरक्षित था, उसके बाद रात को 2 बजे बाद पता नहीं किस जंगली जानवर ने इसको मार दिया। सुबह उठे तो देखा मेरा पशु मरा हुआ था, हमने तो पंजों के निशान पाए हैं। इसकी
मैंने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी है और ये जो नवी वन्य चिकित्सक वाले हैं इनको दी है। इनका कहना है कि हमें मतलब डाउट में है, हम क्लियर नहीं हो पाए कि है क्या चीज़।